दोस्तों हमारे YouTube चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास डाइकिन विंडो एसी का एक पीसीबी आया है और डेड कंडीशन में है, तो उसको जब आप रिपेयर करेंगे उसमें फ्यूज है और एक एमओवी जला हुआ है। एक्चुअली हाई वोल्टेज आने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, तो ये फ्यूज जो है पूरा बंद हो गया है और उसको तो हम रिप्लेस कर देते हैं नए फ्यूज के साथ। और हमारा एमओवी जो है, एमओवी भी कुछ डैमेज हुआ है और फट गया है हाई वोल्टेज आने की वजह से, तो उसको भी हम डिसोल्डरिंग के ज़रिए से बाहर निकालेंगे। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम डिसोल्डरिंग पंप का यूज़ करेंगे और डिसोल्डरिंग पंप के ज़रिए से वो इजी से बाहर निकल जाता है। तो आप भी किसी भी रिपेयरिंग करते हैं तो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट बाहर निकालना हो तो आप भी डिसोल्डरिंग का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इससे बहुत इजी से डिसोल्डर करके बाहर निकल जाता है। ये जो है पूरा क्रैक हो गया है, फटा हुआ है, तो उसके लिए हम नया एमओवी लगाएंगे और ये पुराने एमओवी और नए एमओवी का भी चेक भी करेंगे मल्टीमीटर से। तो दोस्तों हमारे पास नया एमओवी है और एक पुराना है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट करके उसको टेस्ट करेंगे। ये कंटिन्यूटी मोड है, देखो कंटिन्यूटी में कुछ नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि उसमें डैमेज हो गया है। और ये नया है उसमें कुछ नंबर नहीं आएंगे, इसका मतलब ये हमारा ओके है। तो इसको हम पीसीबी में माउंट कर देंगे और उसको सोल्डर कर देंगे। उसके लिए थोड़ा पेस्ट लगाएंगे कि सोल्डर अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। तो दोस्तों हमने पेस्ट लगा दिया और अब उसको अच्छी तरीके से सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों उसमें और कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, एमओवी डैमेज होने की वजह से आगे का जो हमारा पावर सप्लाई का पोर्शन है वो सेफ हो गया। तो दोस्तों हमने एमओवी को भी सोल्डर कर दिया है और फ्यूज़ को भी रिप्लेस कर दिया है। अब पावर सप्लाई देके पीसीबी को टेस्ट करेंगे। तो हमने उसका वायर वगैरह सब कनेक्ट कर दिया है और पावर सप्लाई देंगे। तो दोस्तों हमारा ग्रीन कलर का एलईडी जो है चालू हो गया पुश बटन के ज़रिए से। अब उसको ऑफ करके देखेंगे। तो दोस्तों हमारा ऑफ हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर।